गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कॉल नियर। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसके हुज वर्टेसेस आर गिवन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वैल्यू ऑफ के, इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, तो सेवन एक फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए है 7, -2, बी है आपका 5, 1, 3, k। यहाँ पे तीन वर्टेसेस हैं, इसको एक्स वन मान लो, वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर कॉलिनियर की कंडीशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, वी नो दैट 1/2 मॉड एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट। ठीक है, इसको लिख लेना, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, तो आप वैल्यू पुट कर दो, 1/2 मॉड एक्स वन की वैल्यू 7, वाई टू, वाई टू की वैल्यू 1 माइनस के प्लस एक्स टू की वैल्यू आपकी 5, वाई थ्री, वाई थ्री के प्लेसेस में के माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू आपका 3, वाई वन, वाई वन की वैल्यू है आपका 7, सॉरी माइनस 2, वाई वन माइनस 2 माइनस 2 माइनस का वाई टू, वाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी मॉड के अंदर। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 7 माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, ऑलरेडी गिवन है सिंस फॉर कॉलिनियर, फॉर कॉलिनियर, कॉलिनियर की कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो। फॉर कॉलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू 1/2 7+1 8 -2k, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई, जीरो इक्वल टू 8 -2k, तो यहाँ से 8 इक्वल टू 2k, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू 4, तो यहाँ से k की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक रफ फिगर बना लो, ट्राइंगल है ए बी सी, ए 8, 1, k, -4 एंड 2, -5, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आपका 1/2 मॉड एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, मॉड के अंदर ये एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो ये वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू 1/2 एक्स वन की 8, वाई वन, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू की वैल्यू है -4, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस एक्स टू की वैल्यू k, वाई थ्री की वैल्यू -5, -1, प्लस एक्स थ्री की वैल्यू 2, वाई वन, वाई वन माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, मॉड के अंदर, तो इसको सॉल्व कर लो, 1/2 5 -1 8 प्लस माइनस हो जाएगा आपका -6k प्लस 4+1 5, 5 2 10। ठीक, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू आ जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वी नो दैट फॉर कॉलिनियर, फॉर कॉलिनियर की कंडीशन क्या बताया था, कॉलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बेटा, जीरो इक्वल टू 1/2 10+8 18 -6k, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इक्वल टू 18 -6k, 18 इक्वल टू 6k, 6 3 जा k की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, आपका k की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ओके, थैंक्स।